जब आप और हम कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में बैठे थे, ऐसे मुश्किल वक्त में खरगोन के 18 युवा सड़कों पर आम लोगों की सेवा, लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस की मदद कर रहे थे। खरगोन शहर में संचालित सद्गुरु डिफेंस एकेडमी के 18 युवाओं ने कोरोना लॉकडाउन में 45 दिन तक पुलिस की भरपूर मदद की। कोरोना त्रासदी में अपनी जान की परवाह किए बगैर यह सभी वॉलंटियर सड़कों पर जिला पुलिस के साथ मानवता की सेवा में लगे रहे। एकेडमी के डायरेक्टर विकास प्रजापत और उसके साथी अपना सौभाग्य मानते हैं। युवाओं से बातचीत, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सड़कों पर बेहोजा घूमते लोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ इन युवाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस की सहायता की है। अफसर भी सद्गुरु डिफेंस एकेडमी के युवाओं से मिलकर सहयोग की सराहना कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने इन सभी को आगामी समय में सहयोग की बात कही है। सभी युवा आगे भी प्रत्येक सेवा कार्य में सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। इसमें कोरोना काल से लेकर दूसरी लहर में सद्गुरु डिफेंस एकेडमी के जो युवा हैं, जो भी सुरक्षा सेवाओं में जाना चाहते हैं, वो पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। सर, ये कैसे संभव हुआ कि इनको कोई बुलाया गया था और इनकी सेवाएँ कैसी रही? देखिए, जो आप सभी जैसे जानते ही हैं कि कोरोना काल जो हमारा खासकर जो कुछ 10-15 दिन थे काफ़ी टफ गए हमारे, और ऐसे में सद्गुरु डिफेंस एकेडमी की जो हमारे साथ ड्यूटी करी है उनका कार्य खराब ही रहा है। और चूँकि इस समय का जो कोरोना काल था, कोरोना काल से थोड़ा सा डिफरेंट था, इस बार जो पहले छूटे दी गई थी, ऐसे में जो एक्टिविटी करना ये थोड़ा पिछली बार से थोड़ा सा था। ऐसे में इन लड़कों की मदद से हमें पुलिस को काफ़ी सहायता मिली है, और इनको हमने कॉन्टेक्ट किया था, हमें पता चला था पिछली बार की सेवाएँ दी है, डायरेक्टर है इनको बात करी, तो इन्होंने काफ़ी रुचि दिखाई थी। और लड़कों से भी जब हमने मिले थे तो उन्होंने हमने एक अच्छा उत्साह और जोर दिखा था, तो इन्होंने पूरे महीने सेवा दी। सर, क्या इनकी सेवाओं को लेकर भविष्य में इनको कोई ऐसा सहयोग मिलेगा प्रशासन या प्राइवेट द्वारा, जिससे ये जो सुरक्षा जो संगठनों में हमें शासकीय सुरक्षा सेवाओं में जाना चाहते हैं उसमें कोई ऐसा सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल, प्रशासन पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और इससे आगे आने वाले जो भी तरीके की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और जो भी आगे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल एक फायदा डर सभी को लगता है, जान सभी को प्यारी है, लेकिन कोरोना महामारी के काल में सद्गुरु डिफेंस एकेडमी के युवाओं ने पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग दिया है, उसकी बदौलत आज खरगोन शहर में और खरगोन जिले में कोरोना के केसों में निरंतर कमी आई। कहीं ना कहीं उनका ये योगदान सराहनीय है। इन्होंने 2020 में कोरोना की पहली लहर की शुरुआत में साथ ही अपने योगदान देना शुरू किया और आज भी वो सतत अपने काम में लगे हुए हैं। आइए हम सद्गुरु एकेडमी के जो संचालक हैं विकास प्रजापत, उनसे बात करते हैं कि ये पूरे कार्यकाल के दौरान युवाओं ने जो कल के आपके जो युवा साथी हैं उन्होंने पूरे कोरोना काल के दौरान योगदान दिया, उनके सबसे सम्मान मिला था उन्होंने कहा था। ये कैसे संभव हुआ, क्या कोई आपको आदर किया था? इसका खरगोन थाना कोतवाली से सूचना आई थी, पिछले साल भी इन बच्चों द्वारा पूरे कोरोना काल में सेवा दी गई थी। प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, सुबह 8 से 12 बजे तक इनके साथियों काम किए थे, 10 बजे तक इनका ड्यूटी का समय होता है। पिछले वर्ष भी कोरोना काल में पूरी ड्यूटी थी, और इस वर्ष भी खरगोन कोतवाली से सूचना आने के बाद सभी बच्चों ने पूरे कोरोना महामारी में पुलिस प्रशासन के साथ सेवाएँ दी और बड़े अच्छे तरीके से दी। मतलब कुछ लोग परेशान भी थे, गरीब भी थे, उनकी हेल्प भी की। कुछ बच्चों का एकेडमी के बच्चों द्वारा सेवा के साथ साथ मास्क वितरण भी किया गया। कुछ लोग जो बिना मास्क के घूम रहे थे उन्हें मास्क पहना कर समझाई देकर उन्हें घर की ओर बताया कि घर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और पूरी टीम द्वारा खरगोन प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अभी तक सेवाएँ दे रहे हैं। मतलब 40 से 45 दिन हो चुके हैं पूरी टीम द्वारा सेवाएँ दे रहे हैं। अनुराग जी, जैसे कि सद्गुरु डिफेंस एकेडमी है ना, सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक समिति है आपकी कार्यक्रम है, तो क्या असर है?
डिफेंस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं को पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस से संबंधित सारी फिजिकल और डिजिटल शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो सूचना आने के बाद इन्हीं बच्चों को इसी फील्ड में जाना है, तो सभी बच्चे पुलिस प्रशासन के साथ आगे भी इस फील्ड में उनका कार्य करते रहें और अच्छी उनको सेवा दे रहे हैं, अच्छे से सेवाएं दी उन्होंने और डिफेंस से तैयारी करने वाले सारे बच्चे। हाँ विकास जी, ये जो आप सेवा दे रहे हैं डिफेंस के रूप में यहाँ पर, बहुत ही अच्छी और सराहना की जाती है इसके लिए। हाँ मैं ये जानना चाहूँगा क्या पुलिस विभाग के द्वारा सेवा की बदौलत ये जो प्रशिक्षण आप ही आप जो सुरक्षा संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बात की शिक्षणार्थियों से जो कोरोना काल में निःशुल्क रूप से जान हथेली पर लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित बड़ोले। हर्षित जी, आप कब से ये पुलिस के साथ में यहाँ पर जो चेक पोस्ट है इनका काम कर रहे हैं और ये काम करते हुए आपको कैसा महसूस है? सर हमको ये करते हुए 2 महीने हो गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जन सेवा सबसे बड़ा धर्म है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कोरोना काल में सेवा करने का मौका मिला और आगे भी यदि ऐसा कुछ होता है तो हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। बहुत अच्छा, हमारी तरफ से भी आपको इस चीज़ के लिए आभार। आइए हम कुछ और बात करते हैं। आप हमसे यहाँ पुलिस के साथ सेवा दे रहे हैं और दो साल लगता है आपको ये सेवा देने का? दो महीने से दे रहे हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, लोगों को यही संदेश दे रहे हैं आपसे जरूर दे रहे हैं बार बार सेवा दे रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा काम है दूर बाहर में, बाकी ये देखिए यहाँ पर खरगोन जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस डिफेंस एकेडमी के जो भी प्रशिक्षणार्थी है जो कि पुलिस सेवा, आर्मी या अन्य सुरक्षा संगठनों में कार्य देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, वो इस समय यहाँ कोरोना काल में मानवता की सेवा में लगे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मानवता से बड़ा सेवा कोई धर्म नहीं है और उसी धर्म को उसी सेवा को वो निभाते जा रहे हैं। हमारी तरफ से और आपसे भी अनुरोध है कि आप कोरोना से ढील मिलने के बाद भी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कम से कम घर से निकलें ताकि हम अपने देश को एक बार फिर से कोरोना मुक्त सुरक्षित बना सकें। अनिल पांडे, HW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल HW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।